वेलकम बैक। ज़िंदगी के कई मौसम हैं, कई रंग हैं और यकीनन इन्हीं से सारी खूबसूरती है। तभी हम कहते हैं कि जो फ़नून लतीफ़ा हैं और ख़ास तौर पे विजुअल आर्ट्स हैं, दे कैन रियली मेक यू अ हैप्पियर पर्सन। आप खूबसूरती को देख सकते हैं, उसको सराह सकते हैं और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके माइंड सेट पर, आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं मिलो पाकिस्तान से में एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट से। ये है जी सहर शाह रिज़वी और इनके बारे में सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं बिकॉज मेहरान यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स इन्होंने पढ़ाई की है उसकी और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट अबाउट हर। आइए मिलिए कराची की नौजवान मुसव्विरा सहर शाह रिज़वी से, जो 100 कौमी हीरोज के पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करने की ख्वाहिशमंद है। सहर शाह रिज़वी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने जामशोरों में वाके मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिजाइन से ग्रेजुएशन किया है। वो अब तक अब्दुल सत्तार ईदी, पीर सबगतुल्ला राशिदी, जुल्फिकार अली भुट्टो, अलन फकीर, सच्चल सरमस समेत कई अफराद के पोर्ट्रेट बना चुकी है जिनको वो कौमी हीरो मानती है। शहर के फनपारों की पाकिस्तान के साथ अमरीका, इटली और मलेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में 80 नुमाइशें हो चुकी हैं। जी जनाब, तो आज हमारी मुलाकात हो रही है सहर शाह से। हमारे साथ मौजूद हैं, लेट्स वेलकम हर टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सहर। और आज हमारे सेट पे अभी हमने ज़बरदस्त रिपोर्ट देखी और पाकिस्तान के जो मायनाज नाम हैं, ऐसी शख्सियात जो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, उनकी पोर्ट्रेट्स भी जो सहर ने बनाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं। दे ब्यूटिफुल, दे लुक अमेजिंग। तो इज़ इट दीज पर्सनैलिटीज़ जो आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हो इनकी पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए? व्हाट्स योर फेवरेट यू नो लैंडस्केप दैट यू वर्क ऑन? यूजुअली तो मेरा काम जो है, मैं मिनिएचरिस्ट हूँ, तो मैं मिनिएचर में काम करती रही हूँ। फेमिनिज्म के हवाले से मैंने बहुत काम किया है, तकरीबन 9 साल मैं उसको प्रैक्टिस करती रही हूँ। 81 एग्जीबिशंस मेरे इंटरनेशनली और नेशनली हो चुके हैं। तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना हमारी जो पर्सनालिटीज़, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जिनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जिनका ताल्लुक़ हमारे मुल्क से है, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाते, हमको उनके बारे में कुछ तफसील नहीं मालूम। बिल्कुल। या रोज़मर्रा के हम अक्सर हीरोज़ जो हमारे होते हैं, सिदरा हम कहते हैं कि ड्रामों में नज़र आने वाले हीरोज़, या हम यूजुअली हम हीरोज़ को समझ नहीं पाते वो क्या हैं, वो पर्सनालिटीज़ जिनको हमें हीरोइक करके देखना चाहिए, जिनसे इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए। Absolutely. तो जो रियल हीरोज़ हैं, जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, उनको मैंने पेंट किया है बेसिकली। फिर उसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं और डिफरेंट जेनर के पर्सनालिटीज़ हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आर्टिस्ट भी हैं। बिल्कुल, तो मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़, मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ वर्क से इनका ताल्लुक है। लेकिन सर मुझे ये बताओ कि आपने, क्योंकि पढ़ाई अपनी जो इनिशियल है वो मेहरान यूनिवर्सिटी से की है, एक आम तासुर दिया जाता है कि फोर फ्रंट में मीडिया अटेंशन उन्हीं यंग टैलेंटेड पाकिस्तानीज़ को मिलती है जो बड़े शहरों से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मे बी अ फ्यू अदर सिटीज़। क्या आपको लगता है कि आपको अपने आप को मनवाने में ये स्ट्रगल और माशाल्लाह नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ी बिकॉज़ यू नो बड़े शहर छोटे शहर का फ़र्क नज़र आता है? सिद्रा, बिल्कुल फ़र्क तो नज़र आता है, आता लेकिन है। ऐसा मेरे साथ फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मेरी एग्जीबिशन स्टार्ट हुई तो तब से ही, क्योंकि एग्जीबिशन जब भी होती है वहाँ पे बहुत मीडिया होती है, और फॉर्चुनेटली मेरा काम इतना अपीलिंग था, साउंड था बहुत ज़्यादा, तो उस पर बहुत ज़्यादा कवरेज होती थी। अभी मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मुझे कवरेज मिलनी चाहिए या यूजुअली मैं इसलिए काम करूँ, लेकिन मेरा बेसिकली आइडिया ये था कि मैं हमारे हीरोज़ से, हमारी आज की जो जनरेशन है उसको मैं मिलवा सकूँ किसी तरीके से। वो लोग जो कभी कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं या दूर हैं हमसे, तो उनको कुछ कंट्रीब्यूट करके हमारी सोसाइटी में, एक मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जिनको मैं याद भी दिलाऊं और उनको ट्रिब्यूट दूं बेसिकली हमारे मुल्क के लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से। फिर मैंने अजरक के साथ उनको पेंट करना स्टार्ट किया, अजरक क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो पर्सनालिटीज़ जो आज भले हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन, उनका काम हमारे साथ हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे ये बताओ कि जब आप यंगस्टर्स की तरफ देखते हो, और खुसूसन क्योंकि तुम एक क्वालिफाइड आर्टिस्ट हो, तुमने इसको बाकायदा पढ़ा है, हमारे माशरे में क्या अहमियत दी जाती है विजुअल आर्ट्स को, फाइन आर्ट्स को? यानी हर तहजीबी याफ्ता माशरा फ़ख्र करता है अपने ट्रेडिशंस पे, प्रमोट करता है आर्टिस्ट को, लेकिन हमारे यहाँ एक भाग दौड़ है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एमबीए कर लो,
फाइन आर्ट्स को वो अहमियत हासिल है जो इसको होनी चाहिए, और अगर नहीं तो क्या किया जा सकता है? सिदरा बिल्कुल भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप देखें दुनिया की बड़ी से बड़ी तहजीबें, सिविलाइजेशंस जो बचती हैं, उनकी जो असरात जो बचते हैं, जो आज हम लोग देख रहे हैं पुराने लोगों की तहजीबों की, तो वो लोग आर्ट से बचते हैं, लिटरेचर से बचते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में शायद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि हम आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकें। यकीन करें, जब एक आर्टिस्ट जब पास आउट होता है तो यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से तो ऐसे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जो उसको गाइड करें कि आप इंटर्नशिप के लिए यहाँ अप्लाई करें, आप स्कॉलरशिप के लिए यहाँ अप्लाई करें, फर्दर आपको यहाँ गैलरीज हैं उनमें अपना काम देना चाहिए और गैलरीज को स्पॉन्सर करना चाहिए। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको आर्ट को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने क्या काम को ख़राब किया है? यानी आप ये देखो कि मैंने अब बहुत बड़े बड़े घरों में या हमारे यहाँ जो अपना एक एस्थेटिक्स होता है, हम या तो इम्पोर्टेड चाइनीज फ्रेम्स हमें नज़र आ रहे हैं, डिजिटल प्रिंट्स बहुत आ गए हैं कि जी ये तस्वीर पसंद आई, ये मंज़र पसंद आया, चलो जी इसको ब्लू अप करा के फ्रेम करा के लगा लो। जो एक्चुअल आर्टिस्ट था वो जो हमारे अपने लोग थे, और इसमें कई आप चीज़ें देखें, मुझे याद है मैं अगर अपनी यूथ में अपने यू नो डिबेटिंग करियर में मुल्क से बाहर जाती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कराची एयरपोर्ट पर आपको बहुत सारी इस तरह की फन पारे, छोटी चीज़ें, मिनीएचर्स, ऑनिक्स की बनी हुई चीज़ें मिल जाती थी। अब वो तमाम इंडस्ट्रीज़, वो तमाम आर्टिसंस कहीं गुम होते चले जा रहे हैं, वे नॉट डूइंग मच अबाउट, वो कमर्शियल गैलरीज तक रह गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्ट को कॉमन होना चाहिए, सब लोगों की तरफ होना चाहिए। यकीन करें, जब मैं इनको, मैं शायद पहली आर्टिस्ट हूँ पाकिस्तान की जिसने लाइव पेंटिंग स्टार्ट की, मैं अपने पेज पर लाइव पेंटिंग बनाना स्टार्ट की मैंने, तो वहाँ पे बहुत मुझे प्यार मिला लोगों से, इतना वो मुझे अजीब और बहुत खूबसूरत लकबात जो हैं उनसे नवाजते रहे, लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, गर्ल विद द गोल्डन फिंगर्स कहा, सोने नांगुरन वाली छोकरी कहा, सिंध जी शहर मुझे बोलते हैं, तो बहुत प्यार करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कोई अगर अच्छा काम कर रहा है हमारी सोसाइटी में। लेकिन मैं जो भी अपना, इतना मैंने एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है, 100 हीरोज़ का टारगेट है, लेकिन ये ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, वो टारगेट है, उसको मैं अकेले ही कर रही हूँ, मुझे कोई फंडिंग या कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसने मुझे सपोर्ट किया हो, तो मैं वो सारा खुद ही कर रही हूँ, उसको सारा मैनेज कर रही हूँ, उसके सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो खुद ही मैनेज कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं, उनको आर्टिस्ट को, मेरे अलावा भी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, सबको एक्सेलेंस पे ज़रूर बात करना चाहूँगी। सहर, एक चीज़ होती है आर्ट को प्रमोट करना, आर्टिस्ट को प्रमोट करना, लेकिन आर्टिस्ट भी तो मंझता है और उस उरूज पे अपने फ़न के पहुँचता है, उसमें बड़ी एक स्ट्रगल होती है। बिल्कुल, मैंने अक्सर ये बात देखी है कि हमारे यहाँ खानापुरी बहुत है, हमारे यहाँ कोई आपको बिल्डिंग या जगह मिल जाएगी जहाँ आप कहते हैं स्ट्रीट आर्ट के लिए या म्यूरल्स। हम दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, आपको इतने खूबसूरत फन पारे नज़र आते हैं जिसमें आपको वाकई लगता है कि एक आर्टिस्ट की एक्सेलेंस, उसका पैशन शामिल है। हमारे यहाँ जो माजरत के साथ जो स्टूडेंट्स भी या उनके टीचर्स के साथ जो ग्रुप्स आके पब्लिक स्पेसेस में पेंटिंग करते हैं, वो पेंटिंग बहुत कम खूबसूरत होती है, वो पेंटिंग कम ऐसी होती है कि उसको मेंटेन किया जाए, उसको लुक आफ्टर किया जाए, ऐसा लगता है एमेच्योर सा आर्ट है। इस बारे में क्या कहोगी? अच्छा, पब्लिक आर्ट जो दीवारों पे आप अक्सर देखते हैं वो तो इस तरह के ही प्रोजेक्ट होते हैं जो जल्दी में आप काम करो, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग का भी ख्याल नहीं रखते कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। मॉन्यूमेंट्स बनाने चाहिए मेरे ख्याल से, और पेंटिंग्स जो हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं आज हूँ, हम लोग आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन ये आर्ट यहाँ होगा, और इस आर्ट से, इन पेंटिंग से आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो देखेंगे कि हमारे मुल्क में कितने बड़े पर्सनालिटीज़ थी, कितने बड़े लोग थे जिन्होंने इतना ज़्यादा कुछ दिया, अपनी जान दी, अपनी क्वालिटी सर्व की, कुछ ना कुछ बेहतर करते रहे, वो अपने सुरों से, वो सिंगर हो तो कहीं अपने कलम से, कहीं अपने सुरों से, कहीं अपनी स्ट्रगल से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे, आसमा जहांगीर जी की पोर्ट्रेट है, रूथ फाओ की पोर्ट्रेट है, एंड जो इन्होंने अपने लिए टारगेट रखा है बड़ा जबरदस्त है, हीरोज को पेंट करना जिसमें खवातीन भी शामिल होंगे, मर्द भी शामिल होंगे। आई थिंक द नेक्स्ट वन इज प्रोबेबली गोइंग टू बी सतपारा, मैंने सुना है कि आप उनका भी पोर्ट्रेट बनाने का इरादा रखती हैं, द माउंटेनियर, वन ऑफ द बेस्ट माउंटेनियर्स ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान, और अल्लाह ताला अपनी जवारे रहमत में उनको जगह दे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैशन के लिए इतनी ऊंचाई तक जाते हैं, इतने आगे बढ़ते हैं, एंड आई थिंक वी नीड मोर ऑफ सच पीपल। सो सहर, आज आपसे बात करके सुबह सुबह बहुत मज़ा आया। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड दीज आर द ट्रू फेसेस ऑफ पाकिस्तान। और मैं चाहूँगी कि इनके इस मिशन में, व्हेन शी इज़ प्लानिंग टू पेंट 100 हीरोज, हमें सपोर्ट मिले, इनको सपोर्ट मिले, फंड्स मिले, बिकॉज एक आर्टिस्ट मेरे ख्याल में पूरी कौम का सरमाया होता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साथ रहिए हमारे, देखते रहिए आज पाकिस्तान।